नमस्कार, मैं शामिन गार्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टी चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जाने मानी ज्योतिषी आचार्य पंडित अजीत पांडे जी, जिन्होंने इससे पहले भी की हैं कहीं भविष्यवाणियाँ जो कि बिल्कुल सटीक हुई हैं। यूपी में किसकी होगी ताजपोशी, देखिए पंडित जी की जुबानी। आप सभी को जय माता की। आज एक और नए खास विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो पे चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव यानी यूपी असेंबली इलेक्शन। इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे गठबंधन बन रहे हैं जिनकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता था। कुछ ऐसे दिग्गजों का प्रवेश भी हो रहा है जिनका पहले उत्तर प्रदेश में कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही खास होने वाला है। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम या उसका गणित किस करवट बैठने वाला है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली क्या कहती है। वैसे तो राजनेताओं के कुंडली के विषय में कुछ भी विश्वसनीयता से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार योगी जी का जन्म 5 जून 1972 को दिन में लगभग 12 बजे के आसपास हुआ है। इस हिसाब से उनका जन्म सिंह लग्न और कुंभ राशि के अंतर्गत हुआ है। 2020 के बाद से यानी 25 जनवरी 2020 के बाद से योगी जी के ऊपर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। यह एक बहुत ही ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि पिछले बार जब योगी जी ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था तब उनके ऊपर ऐसी कोई भी नकारात्मक ग्रह योगों का प्रभाव नहीं था। इस बार योगी जी के लिए सबसे बड़ी बात है उनके कुंडली में गतिमान शनि की साढ़ेसाती, जो उनको मानसिक रूप से तो परेशान करेगी ही, साथ ही सहयोगियों के कारण भी कुछ अशांति का सामना करना पड़ सकता है। आपने भी देखा होगा कि 2020 के पूर्व जितने मजबूत फैसले योगी जी ले पाए होंगे उसके अपेक्षाकृत 2020 के बाद से उनके फैसलों में कहीं ना कहीं एक मध्य मार्ग की भूमिका रही है, इसीलिए योगी जी के लिए यह चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं। अभी वर्तमान में उनकी जन्म कुंडली में केतु की विंशोत्री चल रही है और केतु की विंशोत्री में शनि का अंतर्दशा चल रहा है। अंतर्दशा तो ठीक है ही है, लेकिन 14 जनवरी से और 18 मार्च तक केतु की विंशोत्री में शनि का अंतर्दशा और शनि का प्रत्यंतर दशा ही रहेगा, जिस अवधि में लगभग सारे चुनाव का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा यानी गिनती भी समाप्त हो चुकी होगी। इस हिसाब से कुल मूल्यांकन यदि उनके कुंडली का संपूर्ण मूल्यांकन किया जाए तो योगी जी के लिए यह चुनाव आसान होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं गोचर में जिस दिन चुनाव का मतगणना होगा यानी 10 मार्च का। 10 मार्च के ग्रह गोचर भी सिंह लग्न के अनुसार योगी जी के पक्ष में नहीं होंगे और छठे भाव में मंगल शुक्र और शनि की युति उनके प्रति किसी भी गठबंधन को तैयार करने से नहीं रोक सकता, यानी अप्रत्याशित गठबंधन उनके खिलाफ हो सकता है और उनके लिए राह इतना आसान नहीं होने वाला है। अब इसकी बात करते हैं माननीय अखिलेश जी का क्या होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अखिलेश जी का जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ है और उनका भी जन्म कन्या लग्न और मिथुन राशि के अंतर्गत हुआ है, इसलिए उनकी घोषणाएं ज्यादा होती हैं या वो बोलते अधिक हैं या वाणी में और कर्तव्य में थोड़ा सा अंतर पैदा हो जाता है। अब उनके कुंडली की स्थिति क्या कहती है। इत्तेफाक से जैसे योगी जी के कुंडली में केतु की विंशोत्री में शनि का अंतर और शनि का प्रत्यंतर गतिमान है, वैसे ही चुनाव के समय
अखिलेश जी की कुंडली में भी केतु की बिंसूत्री में शनि का अंतर दशा और शनि का प्रत्यंतर दशा ही गतिमान रहेगा। इसमें स्पष्ट बात यह है कि यह अंतर दशा 19 फरवरी के बाद ही गतिमान होगा, इसलिए पहले दो चरणों का चुनाव अखिलेश जी के लिए नकारात्मक हो सकते हैं। अखिलेश जी के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके ऊपर अभी 7.5 आदि का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए शनि के नकारात्मक भावों से वो बच जाएंगे या नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर कम रहेंगे। सकारात्मक प्रभाव जो उनको मिल सकते थे वह प्रारंभिक दो चरणों में उनके लिए घाटे का सौदा हो सकते हैं। अब बात करते हैं उनके लिए 10 मार्च का गोचर क्या कहता है। 10 मार्च के गोचर में भी उनके लिए षष्ठ स्थान और पंचम स्थान यह दोनों ही पाप ग्रहों के कारण प्रभावित है, इसीलिए उनके लिए भी इतना आसान होने वाला नहीं है। और जैसा उनको इस बार लग रहा था कि शायद वह मुख्यमंत्री या किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, वह उनके लिए आसान नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं बहन मायावती जी का क्या होगा। मायावती जी की जो जानकारी उपलब्ध है उनके अनुसार उनका जन्म भी सिंह लग्न और मकर राशि के अंतर्गत हुआ है। उनकी कुंडली की विशेषता यह है कि लग्न में बृहस्पति का प्रभाव उनको अप्रत्याशित सफलता दिला सकता है, किंतु उनके कुंडली में भी गुरु बकरी हैं, इसलिए वह सफलता जो उनको मिलना चाहिए शायद इस बार भी नहीं मिल पाए। इसके बाद बात करते हैं उनकी बिनशोत्री आदि क्या कहती है। तो सर्वप्रथम उनकी शनि की 7.5 की चर्चा भी कर लेते हैं। मायावती जी के ऊपर 27 जनवरी 2017 से ही शनि की 7.5 चल रही है, जिसका अभी मध्यम चरण चल रहा है, जो उनके लिए पूर्णतः प्रतिकूल तो नहीं होगा लेकिन बहुत अनुकूल भी रहने वाला नहीं है। 7.5 के प्रभाव कहीं ना कहीं बहन मायावती जी को परेशान करने वाला है। और उनके ऊपर अभी वर्तमान में बुध की बिंसूत्री में मंगल का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर चलने वाला है। यह अभी मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, चुनाव की अवधि के अंतर्गत आने वाले बिंसूत्री अंतर्दशा आदि की चर्चा कर रहा हूं। तो 9 फरवरी से उनके ऊपर बुध की बिंसूत्री में मंगल का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर रहेगा। यह एक ऐसा योग है कि उनके लिए कुछ बड़े नेता उनका साथ छोड़ के जा सकते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद भी उनके पार्टी में हलचल बनी रहेगी और दल बदल की स्थिति लगातार उनके साथ चलती रहेगी। गोचर में भी मायावती जी के लिए बहुत अच्छे ग्रह योग नहीं है, यानी किसी भी बड़े सूरमा का ख्वाब 100% पूरा होने वाला तो बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद कर लेते हैं कि बीजेपी की कुंडली क्या कहती है। बीजेपी की कुंडली उसके स्थापना के समय से ही सामान्य रही है और इस बार का गोचर उसके लिए अपेक्षाकृत अत्यधिक सफलता देने वाला साबित हो सकता है। पिछले चुनाव की पुनरावृत्ति तो नहीं हो सकती है, क्योंकि माननीय योगी जी की कुंडली कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे रही है, इसलिए पिछले चुनाव की पुनरावृत्ति तो संभव नहीं है, किंतु बीजेपी की कुंडली मजबूत होने के कारण आशातीत सफलता तो भाजपा को यानी बीजेपी को तो मिल ही जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं अन्य पार्टियों की। कांग्रेस की स्थिति 2017 से कुछ बेहतर तो हो सकती है, लेकिन शायद दहाई का आंकड़ा उनके लिए पार करना मुश्किल ही रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी यूपी में खाता खोलने में तो सफल रहेगी, किंतु बहुत लंबा आंकड़ा नहीं पहुंच सकता है। आप पार्टी का भी खाता यूपी में अवश्य खुलेगा, लेकिन कोई आशातीत सफलता नहीं मिलने वाला है। एनसीआर क्षेत्रों में यदि थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए तो बात अलग है, इसके अतिरिक्त कोई विशेष सफलता आप पार्टी को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि सीटों का अनुमान क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली के संपूर्ण मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है
कि बीजेपी की अकेले सीटों की संख्या 277 से 287 तक पहुंच सकती है। यह मैं बीजेपी की अकेले सीटों की चर्चा कर रहा हूं। गठबंधन के साथ में भी बीजेपी को 295 से और 300 तक का आंकड़ा मुश्किल से मिल पाएगा। इस बार 300 का आंकड़ा पार करना बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। चाहे गठबंधन और बीजेपी की सारी सीटों को मिला लिया जाए तब भी बीजेपी को व्यक्तिगत रूप से कुछ नुकसान हो सकता है, बाकी उसके सहयोगी पार्टियों को सामान्य सफलता मिलेगी और कुल मिलाकर 295 से 300 के बीच के आंकड़ा में बीजेपी सिमट सकती है। पिछले चुनाव की पुनरावृत्ति तो बिल्कुल भी संभव नहीं दिख रहा है। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं बसपा का क्या होगा। 2017 में बसपा के सीटों की संख्या लगभग 19 थी, उसको लगभग वह इस बार डबल करने में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि यदि कुछ अचानक लाभ मिलने की संभावना है तो वह बसपा के पक्ष में ही जा रहा है। और बसपा हो सकता है कि किंग मेकर तो नहीं बन पाए, लेकिन अपने सीटों के वर्तमान संख्या को लगभग डबल तक पहुंचा सकती है, यानी लगभग 29 से 35 सीटों के बीच में बसपा के सीटों की संख्या हो सकती है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं सपा गठबंधन। इस बार सपा ने भी यानी समाज पार्टी ने भी लंबा चौड़ा गठबंधन किया है और उसको भी इस बार उम्मीद है कि शायद वह यूपी के कुर्सी को प्राप्त कर ले, यानी माननीय अखिलेश जी इस बार यूपी के मुख्यमंत्री बन जाए। किंतु जो अखिलेश जी और अन्य पार्टियों के ग्रह योग है वह इतने अनुकूल नहीं है कि अखिलेश जी इस बार यूपी के मुख्यमंत्री बन पाए। सपा गठबंधन के सीटों का अधिकतम संख्या 55 से 60 तक ही जाता दिख रहा है, जबकि पिछले बार सपा गठबंधन की संख्या लगभग 47 थी। हालांकि इस बार उसमें शायद कांग्रेस का समावेश न हो, इसके बावजूद भी सपा गठबंधन 60 के संख्या को शायद ही पार कर पाए। 55 से 60 के बीच की संभावना है कि सपा गठबंधन पहुंच सकता है। इसके बाद चर्चा करते आपकी, आपको अधिकतम 7 सीटें मिल सकती हैं, यानी आप पार्टी को आम आदमी पार्टी को 4 से 7 सीटें मिलने की संभावना दिख रही है, वह भी बहुत ही कम मार्जिन के साथ में या एनसीआर क्षेत्रों में ही। कुछ महानगरों में आम आदमी अपना प्रभाव दिखा सकती है, लेकिन वह वोट संख्या सीटों में परिवर्तित हो पाना संभव बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी के पार्टी का। उनकी पार्टी भी अपना प्रभाव तो दिखा लेगी, लेकिन सीटों की संख्या में कोई खास इजाफा होने वाला बिल्कुल नहीं है। उनके पार्टी के सीटों की संख्या भी लगभग 3 से 7 हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर उनके सीटों का संख्या निकलना बड़ा मुश्किल है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की कुंडली, राहुल गांधी जी की कुंडली, इनके सबके मूल्यांकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार वोट प्रतिशत में यूपी में कांग्रेस अपना प्रभाव तो अवश्य बढ़ाएगी, यानी जो पिछले बार वोट प्रतिशत मिले थे उसमें अंतर अवश्य आएगा और उसमें आशातीत सफलता भी मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं यूपी में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में वृद्धि अवश्य होगी। किंतु सीटों की सफलता दहाई संख्या तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएगा, और यदि दहाई को पार कर ले तो यह कांग्रेस के लिए चमत्कारिक सफलता हो सकती है, क्योंकि उनके पार्टी की कुंडली या उनके नेताओं की कुंडली इतनी अनुकूल नहीं है कि जो उनको आशातीत सफलता दिला सके, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार भी 4वीं-5वीं नंबर की पार्टी हो सकती है, जैसे कि पिछले बार उनके साथ हुआ था। इस बार भी कांग्रेस दहाई की संख्या बड़े मुश्किल से पार कर पाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कुछ खास नेताओं की। यूपी में कुछ दल बदल करने वाले नेता शायद बुरी तरह से हारने वाले हैं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, किंतु
आपको चुनाव परिणामों में स्पष्ट दिखेगा कि दल बदल करने वाले अधिकतर नेता आशातीत सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जब से इस चुनाव की घोषणा हुई है उस समय की प्रश्न कुंडली देखी जाए, चाहे जिस दिन काउंटिंग होनी है यानी जिस दिन मतगणना होनी है उस दिन की कुंडली देखी जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि दल बदलू नेताओं को इस बार आशातीत सफलता मिलने वाला नहीं है। वो भले किसी भी पार्टी में गए हों और उनको कोई उच्च पद भी मिलने वाला नहीं है या वह उच्च पद तक पहुंचने लायक ही नहीं बचे। इसीलिए अब इसको सूक्ष्मता के साथ समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की वापसी तो हो रही है लेकिन उनके सीटों की संख्या अवश्य कम हो रही है। दूसरी बात, दूसरा कार्यकाल योगी जी के लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके राशि के ऊपर साढ़े साती का प्रभाव अभी गतिमान है। दूसरी बात, बसपा अपने सीटों की संख्या में अवश्य इजाफा कर लेगी लेकिन किंग मेकर की भूमिका में आ पाना बड़ा मुश्किल है। तीसरी बात, सपा गठबंधन अपने सीटों की संख्या को 19-20 कर सकता है लेकिन मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब इस बार भी पूरा होते बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी शायद पंजाब के अनुकूल यहां पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और शायद 2-4 सीटों में ही उनको संतोष करना पड़े। असदुद्दीन जी को यहां पे कोई खास सफलता मिलने वाली नहीं है, बल्कि बिहार के अपेक्षा यहां पे उनको कम ही सफलता मिलेगी और वह किंग मेकर के भूमिका में इस बार भी नहीं आने वाले। आखिर 10 मार्च को पता चल ही जाएगा कि पंडित जी की भविष्यवाणी कितनी होगी सटीक। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24x7 के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।